मैंने अपने सारे सैनिकों के साथ राज्य का कोना कोना छान मारा, किंतु मुझे वो वानर नहीं मिला। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? भूख तो कसके लगी है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? गाजर का हलवा और अंजीर की खीर। बजरंग बली पवन पुत्र बजरंग बली अंजन सुत बजरंग बली गारवे रुद्र बजरंग बली जय कपीस बजरंग बली महावीर बजरंग बली रामदूत बजरंग बली श्री राम भक्त बजरंग बली पंचमुखी बजरंग बली महाबली बजरंग बली हयहारी बजरंग बली हितकारी बजरंग बली जय 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 बजरंग। क्या करने आया है वो बालक इस रीछ प्रदेश में? हम जब से यहां राज्य में मंत्री बने हैं, हमने इतने वानरों की हत्या की है कि वानर अब रिच प्रदेश के नाम से भी थरथर कांपने लगे हैं। तो फिर इस छोटे से वानर ने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? यह भी तो हो सकता है कि वो जंगल से भटककर यहां आ गया हो। अभी तो वो बालक ही है। नहीं, यह असंभव है। हिंसक पशुओं से भरे उस घने जंगल को पार करके यहां तक पहुंचना किसी साधारण बालक के वश की बात नहीं। कुछ तो बात अवश्य है, किंतु हम पता लगा ही लेंगे कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। चलो 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 आगे बढ़ो। मदद करती हो उसे। बुढ़िया, तूने ही छिपाया था ना उस वानर को अपने घर में। उसने तुझे तो बताया ही होगा कि कौन है वो और यहाँ क्यों आया है। मुझे कुछ नहीं पता, और यदि पता भी होता तो मैं कभी नहीं बताती। हाँ, तू ऐसे नहीं बताएगी। देख, इसकी मार बहुत ही भयंकर होती है। अपने बुढ़ापे पर तो दया कर, बुढ़ापे में एक बार हड्डियां टूट जाएं तो जुड़ नहीं पाती। अभी भी समय है, बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे, अन्यथा। अन्यथा क्या, मार ही डालेगा ना। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? तू बहुत ठीक है बुढ़िया, ऐसे नहीं बताएगी। बढ़िया, लगता है कि तू भूल गई कि तेरे पति को भी वानरों का साथ देने के कारण ही मार दिया गया था। यदि तूने उस वानर के बारे में नहीं बताया तो तू भी मार दी जाएगी।
याद है ना कि कितनी भयानक मौत दी थी मैंने उसे। इन्हीं पंजों से नोच नोच कर उसे। हाँ, याद है मुझे। अत्याचार करने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आज तुम्हारे ही कुकर्मों के कारण हमारा ये ऋक्ष प्रदेश सबसे अलग थलग हो चुका है। आज कोई भी ऋक्ष बाहर जाने से डरता है कि कोई उसे मार ना डाले। चुप कर बुढ़िया। क्यों, सच्चाई कड़वी लगी ना? अरे थुर्तो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलने वाला है। और सुन, ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंजन प्रदेश जामवंत की कर्म भूमि। अंजन प्रदेश। आओ मारुति, भोजन करो। देख रहे हो मारुति, भोजन आरंभ करो। मैं अपनी प्यारी काकी को देख रहा हूँ। कितने प्रेम से आपने मेरे लिए भोजन बनाया है और कितने अपनेपन से भोजन परोसा है, जैसे मेरी माँ करती है। अच्छा अच्छा, अब बातें बंद करो और भोजन करो। तुम्हें भूख लगी है ना? बहुत ही मधुर भोजन है। काकी ने बड़े मन से इसे इसलिए बनाया है कि मैं जामन काका के पास से आया हूँ। अतः ये तो सत्य है कि अब भी काकी के मन का प्रेम काका के प्रति कम नहीं हुआ है। फिर काका और काकी के बीच ऐसा क्या हुआ कि काकी ने स्वयं को काका से दूर कर लिया? क्या हुआ मारुति, तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं काकी, भोजन तो बहुत अच्छा है, बस काका की याद आ गई थी। कभी वो भी यही बैठकर भोजन करते होंगे। बातें बंद और भोजन करो। अवश्य ही किसी ने षड्यंत्र करके जामवंत काका को फंसा दिया और काकी के साथ पूरा रीच प्रदेश उन्हें देशद्रोही समझ बैठा। लगता है कि वानरों और रीचों में शत्रुता कराना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था, किंतु कौन कर सकता है ऐसा? इस समय कौन हो सकता है और क्यों आया होगा? मारुति, तुम शीघ्र ही कहीं छुप जाओ। आप हमारी चिंता मत करिए, अब हमारी काकी हमें मिल गई है। इस राज्य में हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। आप द्वार खोलिए। हाँ,
मंत्री, ये कोई मंदिर या धर्मशाला नहीं है जो बिना पूछे अंदर चले आ रहे हो। रुष्ट मत होइए देवी, आप तो कभी बाहर निकलती ही नहीं है। आपके दर्शनों की बहुत इच्छा हो रही थी सो चला आया। हमें तो आपकी सुरक्षा की चिंता लगी हुई है। आप तो जानती ही हैं, वानरों और रीछों में शत्रुता है और यहाँ एक वानर घुस आया है। हमें पता चला है कि वो आप ही का नाम पूछता हुआ घूम रहा है। आपको किसी तरह की हानि ना पहुंचा दे, बस इसीलिए हम तुम्हें हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मंत्री। ये क्या कह रही है देवी, हमें तो सारे राज्य की चिंता करनी पड़ती है। और फिर आपके पति जामवंत जी भी तो वानरों के राज्य में रहते हैं ना। हो सकता है उन्हीं का कोई गुप्त संदेश आया हो आपके लिए। सैनिकों, तुम सारा घर देख लो, जाओ। चलो देखो। हो सकता है वो वानर यहीं कहीं छुपा हो। मंत्री, अपनी सीमा से बाहर जाने का प्रयत्न मत करो। हम यहाँ के महाराजा की भाभी हैं। भाभी जी, हम तो केवल राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और राज्य के शत्रुओं का नाश करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भाभी जी, ये मारुति कहाँ चला गया होगा? सब जगह देख लिया किंतु हमें कोई नहीं मिला। किंतु मुझे तो लगता है कि कोई है यहां। भोजन किसके लिए लगाया गया है भाभी जी? ये भोजन मैं कर रही थी, आप जाइए यहाँ से। जाता हूँ, रुष्ट मत होइए। सेनापति, हमें लगता है देवी का घर असुरक्षित है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके घर के बाहर सैनिकों का पहरा लगवा दो। हाँ,
ठीक है मंत्री जी। संतोष हुआ कि तुम्हें कोई सहजी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम साधारण बालक नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो वो तुम अवश्य पूरा करोगे। अवश्य काकी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। देखकर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो षड्यंत्र किसने रचा होगा। मारुति को गए बहुत समय हो गया है, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया? सच कहूं पुत्र तो अब मुझे भी चिंता होने लगी है। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि मारुति को जब भी कभी देर होती है तब किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य ही होता है। किंतु संकट तो सब समाप्त हो चुके। पिताजी, मारुति जाने से पहले आपको कुछ बता कर गया है? नहीं पुत्र, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, किंतु उसने किंतु मुझे तो अपने राज्य की दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इस शगन वन के दक्षिण की ओर है ऋष प्रदेश। ये संपूर्ण क्षेत्र ऋषियों का है। नाना जी, फिर महाबली काका भी यहीं के होंगे। हाँ हाँ पुत्र, जामवन जी इसी रीच प्रदेश के हैं। हाँ हाँ, आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए। ये देखो पुत्र, यही वो मानचित्र है पुत्र, जो मैंने उस दिन मारुति के आग्रह करने पर उसे दिखाया था। इस मानचित्र पर बने इस रीच प्रदेश में मारुति विशेष अभिरुचि दिखा रहा था। मैंने उसे बताया भी था कि इस रीच प्रदेश में रीचों का राज है और हमारे जामवन जी भी वहीं के रहने वाले हैं। केसरी, पुत्र कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति ऋक्ष प्रदेश में ही गया हो? नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। एकता रहेगी, जब तक ये प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे तब तक मुझे इस राज्य का सिंहासन नहीं मिल सकता।